इस साल अनार की फसल बोई है, उनका उनको उचित लाभ और उचित भुगतान मिले, बस यही भाई साहब के चरणों में मेरी प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। जीवाना में मारुति कृपा अनार मंडी का हुआ शुभारंभ। विश्व का सबसे बड़ा अनार का हब बना जीवाना। हर साल बढ़ रहा 2000 हेक्टर रकबा। जालोर, सांचौर सहित बाड़मेर, जैसलमेर से भी हो रही आवक। 11 में से 4 मंडियों में आए अनार। 3 माह में 50,000 टन से ज़्यादा बिकेगी अनार। प्रदेश में अनार के सबसे बड़े हब जीवाना में अनार की आवक शुरू हो गई है। अनार मंडी दिसंबर से फरवरी तक चलती है। अभी 11 मंडियों में से 4 में ही आवक शुरू हुई है। सीजन के 3 महीनों में 50 से 60,000 टन अनार की बिक्री होती है। अभी ट्रैक्टर ट्रोलियाँ भरकर अनार आने लगे हैं, लेकिन भाव 30 रुपये से लगाकर 100 रुपये तक मिल रहे हैं। शनिवार को जीवाना स्थित मारुति कृपा अनार मंडी का जोना मिठाखेड़ा मठ के महंत उम्मेदगिरी महाराज व राजाराम जी महाराज आश्रम लुम्बा की ढाणी के गुलाबराम महाराज के सानिध्य में शुभारंभ हुआ। बता दें कि इस बार बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि से अनार को नुकसान भी हुआ है। दरअसल महाराष्ट्र में सर्दी की सीजन शुरुआत में अनार की आवक कम होने लगती है। जालोर जिले के जीवाना क्षेत्र की अनार की मांग अधिक हो जाती है। दिसंबर के शुरुआत में महाराष्ट्र सहित देश भर के व्यापारी जालोर आते हैं, जो मंडी से अनार खरीद कर बाहर भेजते हैं। जालोर के जीवाना सहित सांसद जिले के आसपास अनार की खेती होती है। राजस्व अधिकारियों के अनुसार साहिलाकुंड क्षेत्र में करीब 6,000 हेक्टर से भी अधिक अनार के बगीचे लगे हुए हैं, जिसमें करीबन 50 लाख पौधे लगे हैं। बांग्लादेश और गल्फ देशों में भी अनार को भेजा जा रहा है, इसलिए है खास जालोर का अनार। जीवाना मंडी में सिंदूरी किस्म की अनार आती हैं, जो काफ़ी पौष्टिक है, मिठास भी ज़्यादा है। इनकी 15 से 20 दिन तक गुणवत्ता प्रभावित नहीं होने से इसकी मांग देश के नहीं बल्कि विदेशों में भी बढ़ रही है। जालोर व सांचौर में सिंदूरी अनार की खेती होती है। जालोर के जीवाना में अनार मंडी व्यापारी निजी स्तर पर संचालित कर रहे हैं मंडियाँ। 11 दिसंबर के बाद मंडी में अनार की आवक रफ्तार पकड़ेगी। मंडी के अलावा बाड़मेर व जैसलमेर से भी अनार आते हैं, जहां से देश भर के अनार की सप्लाई होती है। यहां का अनार बांग्लादेश सहित गल्फ देशों में भी ये गुणवत्ता वाला अनार पहुंच रहा है। मैं आपका लाला भाई ठक्कर, मारुति कृपा अनार मंडी जीवाना, तहसील सायला, राज्य राजस्थान। आज मारुति कृपा अनार मंडी का सभी साधु संतों और मुख्य अतिथियों के सामने बहुत ही बायोसा की कृपा से और किसानों के आशीर्वाद से एक अनार का महाकुंभ का आज आरंभ हुआ है। इसमें जिन किन किसानों ने माल ला करके हमारी मंडी की जो शोभा बढ़ाई है, उसके लिए मैं किसानों का ऋणी हूँ। आज शुभ मुहूर्त के दिन किसानों को 411 रुपया शुभ मुहूर्त का माल बिका है और औसतन 50 रुपये से 100 रुपये तक में सभी माल बेचे गए हैं। माल की आवक मंडी में लगभग 400 से 450 ट्रॉली जितनी रही है। मैं इस वीडियो और न्यूज़ के माध्यम से अभी सभी किसानों को ये अपील करना चाहूँगा कि वे अपने माल को थोड़ा रोक करके लाए, ताकि मंडी की व्यवस्था हम संभाल सकें। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी टोकन वोकन, ये कोई सिस्टम मारुति कृपा अनार मार्केट में नहीं है और ऐसा कोई नियम राज्य सरकार का भी नहीं है। टोकन सिस्टम मैं बिल्कुल भी नियमों के अनुसार चलता हूँ, इसलिए ऐसा कोई राज्य सरकार का टोकन लेना और टोकन के अनुसार माल बेचना, ऐसा कोई नियम राज्य सरकार का नहीं है। इसलिए मैं सभी किसान भाइयों से ये अनुरोध करता हूँ कि आप कम से कम माल लाने की कुछ दिनों के लिए, ज़्यादा दिनों के लिए नहीं, लेकिन कुछ दिनों के लिए कोशिश करें कि जैसे आपके गाँव में आप सब आजू बाजू में आपके बेरे हैं, आप साथ में माल तोड़ते हो, तो अगर हो सके तो भाई गांव में से अगर 20 ट्रैक्टर आने वाले हैं तो आज 10 भेजिए, कल 10 भेजिए। तो इससे आप किसान मुझ पे बहुत विश्वास और प्यार करते हैं, लेकिन ज्यादा माल आ जाएगा तो बाजार अपने आप गिर जाएगी और इसका कारणीभूत आप किसान रहोगे। देखिए, मुझे तो माल बेचना है, लेकिन मेहनत आपने की है तो आपके मालों का भुगतान आप सोचिए किस प्रकार आना चाहिए। अगर हम ज्यादा से ज्यादा माल आ जाएगा तो बाजारें गिर जाएगी, तो आप कम से कम माल लाने की कोशिश 2-4 दिनों के लिए कीजिए। और कुछ किसान संगठन है, कुछ पत्रकार बंधु
और कुछ जनप्रतिनिधियों के आग्रह से कल भी यानी रविवार के दिन हमने मंडी शुरू रखी है। 10/12/2023 को किसानों का जो भी माल हमारे पास बाहर पड़ा हुआ है उसको हम पूरी तरह से बेच के किसानों को पूरी तरह से उसका भुगतान दिया जाएगा। और मैं फिर से ये वीडियो के माध्यम से आपसे कहना चाहूँगा कि हमारी मंडी 11/12/2023 सोमवार को मंडी बंद रहेगी। और मैं किसान भाइयों से ये नम्र निवेदन करता हूँ कि सोमवार के दिन कृपया करके मंडी में माल ना लाए, बाजार और गिर सकती है। आप मंगलवार से धीरे धीरे माल लाना शुरू कीजिए, आपके बिल्कुल भाव मिलेंगे। मारुति कृपा अनार मंडी में किसानों को तुरंत कैश में भुगतान किया जाएगा। जो भी किसान अपनी स्वेच्छा से RTGS, नेफ्ट, चेक जो भी प्राप्त करना चाहते हैं उनको वो भी चीजों में सहयोग किया जाएगा। बाकी आपको मेरी स्क्रीनों पे, मेरे बोर्डों पे मेरा नंबर है, आपको अगर कोई अति आवश्यक काम है तो आप मुझे जरूर कॉल कर सकते हैं। और मेरी मंडी का हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, आपको कोई मदद की जरूरत है तो आप मंडी में आपका संपर्क कर सकते हैं। और मैं यही किसानों से फिर एक बार प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनके जो उन्होंने ये इस साल अनार की फसल बोई है उनका उनको उचित लाभ और उचित भुगतान मिले। बस यही भाई साहब के चरणों में मेरी प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।